हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं एसके चौधरी, पीसी स्टडी पॉइंट पर क्लास 11 की केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन जो वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, आज की जो अपनी क्लास है, पिछला जो वीडियो पढ़ा था उसी से संबंधित है। अंतराणविक आकर्षण बल जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, अंतराणविक आकर्षण बल इनका संबंध पढ़ेंगे उसमें ऊर्जा के साथ, कि किसी पदार्थ की उसमें ऊर्जा और उसमें लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल, इनमें परस्पर क्या संबंध होता है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल से छोटा सा टॉपिक है, 5 या 7 ही मिनट का वीडियो बनेगा, बिल्कुल से शॉर्ट एंड स्वीट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहां पर मैंने पदार्थ की तीनों अवस्थाएं बनाई है। ठोस अवस्था जिसमें सभी अणु एक दूसरे के साथ में क्लोज रूप से पैक रहते हैं। लिक्विड स्टेट में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए हुए रहते हैं, जबकि गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है। देखिए, सबसे पहले ठोस अवस्था की बात करते हैं। यहाँ पर सभी अणु बिल्कुल से एक दूसरे से क्लोज पैकिंग में रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। बीच में जो दूरी होती है वो कम से कम होती है, नगण्य दूरी होती है। कारण ये होता है कि ये जो अणु है इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहे हैं सब में आपस में, वो प्रबल आकर्षण बल लग रहे हैं, यानी सभी जो अणु है वो मजबूती से एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं। जितने भी अणु होते हैं सभी प्रबलता से स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ बाइंडेड है, एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं स्ट्रॉन्गली, इसलिए ये अपन ठोस अवस्था में इनको देख पाते हैं। अब जैसे आप इनको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, यानी टेम्परेचर देंगे, यानी उसमें ऊर्जा देंगे अपन, ये जो ठोस है अपन इसको क्या देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे। वो एनर्जी देने से क्या होता है, देखिए पिछला जो चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है उसमें अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, जैसे बंध लंबाई क्या होती है, बंध एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में। तो उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि अगर किसी बॉन्ड को ऊर्जा दी जाए तो वो टूट जाता है, जिसको अपन बंध एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर आप इस ठोस को एनर्जी देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देने से क्या होगा, इसके जो आकर्षण बल लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन दोनों अणुओं में ये जो आकर्षण बल है ये टूटेगा, धीरे धीरे कमजोर होगा। जैसे जैसे आप जैसे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा दे रहे हैं तो ये बॉन्ड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वीक हो जाएगा, और वीक होने से क्या होगा, ये जो अणु स्ट्रॉन्गली बंधे हुए थे ये वीक होने के कारण ये थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, यानी जो सॉलिड स्टेट है वो चेंज हो जाएगी किसमें, लिक्विड स्टेट में। किसके कारण, उसमें ऊर्जा देने के कारण, क्योंकि उसमें ऊर्जा देने के कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहे थे, अंतराणविक आकर्षण बल, ये क्या हो गए, कमजोर हो गए, वीक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ऊर्जा और अंतराणविक आकर्षण बल इन दोनों में एक दूसरे में 36 का आंकड़ा होता है, अपोजिट बिल्कुल से। क्योंकि जैसे जैसे आप एनर्जी दोगे, ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा देने से जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड अंतराणविक आकर्षण बल, ये कमजोर हो जाएगा। जितनी ज्यादा ऊर्जा देंगे बॉन्ड उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और लास्ट में बिल्कुल से टूट करके अलग अलग हो जाएगा। फिर ये गैसीय अवस्था में इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कमजोर हो गया है। अब अगर आप इसको और ज्यादा एनर्जी देंगे लिक्विड अवस्था में, तो इसके जो आकर्षण बल है वो और भी वीक हो जाएंगे, अणु बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल से खत्म ही हो गए और अणु और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, यानी जो द्रव अवस्था थी, लिक्विड अवस्था थी, वो किसमें चेंज हो गई, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। अर्थात उसमें ऊर्जा देने से जो आकर्षण बल है वो कमजोर होते हैं, और अगर उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो जो आकर्षण बल है वो वापस क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह से उसमें ऊर्जा के द्वारा अपन किसी भी पदार्थ को उसकी तीन अवस्थाओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ऊर्जा देकर के ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, और ज्यादा उसमें ऊर्जा देकर के जो द्रव है उसको गैस में बदल सकते हैं। अर्थात स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की कुल तीन अवस्थाएं होती हैं, और इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अपने को अध्ययन करना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में अपन ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था के बारे में। इस चैप्टर में अपन केवल इस दो ही अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बारे में। जो ठोस अवस्था है इसके बारे में आप क्लास 12th में अध्ययन करेंगे, यानी इस चैप्टर में अपन द्रव और गैस इन दो अवस्थाओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठोस अवस्था को अपन क्लास 12th में देखेंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने देखा कि उसमें ऊर्जा और अंतराणविक आकर्षण बल इनमें परस्पर एक दूसरे में बिल्कुल से अपोजिट संबंध होता है, बिल्कुल से 36 का आंकड़ा होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।